हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपका ये अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौज ब्लॉक में। जी हां, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जबकि आपको कई दिनों से मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के वीडियो को अपडेट देते आ रहा हूं और दे रहा हूं। जितने भी इन्फॉर्मेशन निकल कर रही है या जितने भी आपके कमेंट हो रहे हैं उसके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, वीडियो के माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को जो भी बताने वाला हूं एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज बात करेंगे जी हाँ सीआरपीएफ ट्रेड में। सीट कम है, बच्चे ज्यादा हो गए तो क्या होगा? बच्चे कम है, सीट ज्यादा है तो क्या होगा? ए टू जेड सभी जानकारी इसी आज वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अगर पहली बार आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आज आपके सीआरपीएफ ट्रेड में। देखिए, सीआरपीएफ जो ट्रेडमैन का आपको भर्ती है, पता है कि 8000 प्लस पे भर्ती हो रही है, जिसका फिजिकल आपको 10 तारीख तक, जी हाँ 10 अगस्त तक आपके फिजिकल चलेंगे। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा राज्य का इतने सीट थी और इतने बच्चे पास हुए हैं। मेरे भाई, 10 तारीख तक होने दीजिए। 10 तक, जब तक फिजिकल आपका 10 तारीख तक कम्प्लीट नहीं हो जाता है तब तक कोई भी कटअप नहीं बता सकता है। एक अनुमानित कटअप सब कोई बता सकता है लेकिन फाइनल कटअप नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं है, 10 तारीख तक वेट कीजिए, उसके बाद से जो भी आपका फाइनल कटअप होगा, क्योंकि पूरा आंकड़ा एक निकल के आ जाएगा कि कितने बच्चे मेडिकल फिट हो गए। फिजिकल का मैं बात नहीं कर रहा, कितने बच्चे फिजिकल हुए, ये तो 10 तक जितना होना था हो जाएगा, लेकिन कितने मेडिकल फिट हुए, कितने सीट है, एक क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत से बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे स्टेट में जैसे कुक का हो, चाहे सफाई कर्मचारी का हो, चाहे बिगुलर का हो, चाहे टेलर का हो, किसी भी पोस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 20 सीटें हैं और सिर्फ 12 बच्चे मेडिकल फिट हो गए हैं, तो क्या 12 हम बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा? यही सबसे ज्यादा डाउट और कमेंट चल रहा है। तो मैं आज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके स्टेट में आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर जहां एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अगर 20 सीट है और वहां 15 बच्चे मेडिकल फिट हैं तो 99% आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 1% हो सकता है कि किसी कारण डीबी वगैरह में या किसी कारण विभाग की वजह से आपका ना हो, 1%, लेकिन 99% सारे बच्चे श्योर हो जाएं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर हमारे स्टेट में, हमारे ट्रेड में, जैसे मान लीजिए कुक का है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, सर 25 टोटल सीट है लेकिन 30 बच्चे मेडिकल फिट है तो क्या होगा? तो उसमें से अब 30 बच्चे जब मेडिकल फिट हैं तो 5 बच्चे को तो बाहर होना ही पड़ेगा। तो विभाग क्या करेगी, आपके लिए कटअप तैयार करेगी। अब उस कटअप में कौन बाहर होंगे, कौन अंदर होंगे, ये देखा जाएगा कि आपका कटअप कितने नंबर बढ़ाया जाए। एक नंबर पे अगर 5 बच्चे बाहर हो रहे हैं तो एक नंबर कटअप अप हो जाएगा आपके फिजिकल के अकॉर्डिंग। अगर 5 नंबर से 5 बच्चे बाहर हो रहे हैं तो 5 नंबर आपके कटअप के बढ़ेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपके कटअप बढ़ने वाले हैं। तो जो भी आपको अपडेट दिया था, मैं पिछले बार भी आपको वीडियो में दे दिया था, अभी भी दे रहा हूं। तो टेंशन नहीं लेना है, 10 तक पूरा आंकड़ा आ जाएगा। अब आपके स्टेट में कितने सीट थी आपके पोस्ट की और कितने बच्चे पास हुए हैं, अगर उस अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं तो सिलेक्शन 100% है। दूसरा एक कमेंट और था कि सर जो रिजल्ट जारी हुआ था क्या रैंक वाइज हुआ था? जी हाँ मेरे भाई, जो रिजल्ट जारी किया गया था अलग अलग पोस्ट का, अलग अलग पोस्ट का, ये रैंकिंग वाइज था। अब रैंकिंग वाइज कैसे था, अब जैसे मान के चलिए अगर ड्राइवर का एक नंबर पे जो था वो ड्राइवर में उसका रैंकिंग एक है, और कुक के लिए अगर मान के चलिए 97 पे फर्स्ट में उसका है तो कुक के लिए रैंकिंग एक है, ठीक है ना। तो आप ये मत देखिएगा कि 97 पे है मेरा कुक का, नहीं, जहां से ड्राइवर के लिए मान के चलिए 1 से लेके अगर 200 तक है सीनियरिटी तो 1 से लेके 200 तक रैंकिंग है 1, 2, 3, 4, 5। अब 201 से लेके 300 तक अगर कुक का है तो 201 पे जिस बच्चों का नाम है वो रैंकिंग 1 पे है कुक के लिए। तो ये आपका रैंक अब कम कैसे होगा, तो जो बच्चे फिजिकल में, ट्रेड टेस्ट में, मेडिकल में, डीबी में बाहर हो रहे हैं तो आपके ऊपर वाले जैसे जैसे बच्चे बाहर होते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका रैंक अप होते जाएगा, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट रैंकिंग के हिसाब से था, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जितने बच्चे बाहर हुए होंगे उतना रैंक आपका अप हो गया होगा। तो कटअप कैसे बनेगा वो भी बता दिया, जिस पोस्ट पे बच्चे कम है
सीट ज़्यादा है उनका सभी का सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सीट भी अच्छा खासा है। जो बच्चे सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी बात है इंतजार करना है क्योंकि जैसे CRPF SCM का थर्ड लिस्ट तक जारी किया गया था, हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आ जाए लेकिन भर्ती के हिसाब से नहीं दिख रहा है कि सेकेंड लिस्ट आएगा, तो हो सकता है 10% चांस है कि आपका सेकेंड लिस्ट आ जाए। तो आप सेकेंड लिस्ट आए या ना आए उसको आप तैयारी छोड़ दीजिए, आपने अगर आगे SSCGD का दिया है, SSCGD का फॉर्म आ रहा है तो आप आगे की तैयारी कीजिए, अगर सेकंड लिस्ट आएगा तो आप फिजिकल के लिए चले जाइएगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने फिजिकल को कंटिन्यू रखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही देना था, आपकी जानकारी के हिसाब से बता दूं कि जो मेडिकल फिट है वो अपने आप को 99% श्योर मान के चलिए कि सिलेक्शन हो गया है उनका, 1% हो सकता है अप डाउन हो सकता है। अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो भी बता दिया कि अप कैसे होगा, कौन कितने रैंक पे था। और दूसरा बात, एक और बात बता देता हूँ आपको कि जो रिजल्ट जारी होगा तो कटअप ज़्यादा अप नहीं जाने वाला है इस बार, क्योंकि बच्चे बहुत कम पहुँचे हैं, बहुत बच्चे कम पास हुए हैं, ये सबको पता है और आपको भी पता है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया था जो आपके कमेंट आए थे, बाकी जो भी और इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं करते तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।